आज के वीडियो के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है ये हो सकता है ये ना हो, पर 90% होगा ये। ये जो कहानी है इसके बारे में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है, मैं नहीं मानता था ये सब चीज़ों में। मैं यही बोलूँगा कि मैं नहीं मानता था ये सब चीज़ों में, पर अगर आपके सामने सबूत हो, आपके सामने प्रूफ हो, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हुआ होगा। मतलब आज की जो कहानी है, मैं ज़्यादा आपको ये सब चीज़ों के बारे में बोलता नहीं हूँ, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग एकांत में बैठ जाओ, और ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पता चलेगा कि ऐसी सब चीज़ें हो रही है दुनिया में। मैं स्टार्ट करता हूँ, 3, 2 and 1। June 14, 1911, 14 June 1911, अभी चल रहा है 2022, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल के पहले की कहानी है ये। June 1911 में एक इटालियन रेलवे कंपनी ने एक ट्रेन बनाई जिसका नाम था जेनेटी। ये ट्रेन पर एक इंजन और 3 डब्बे थे। अब इन्होंने ट्रेन बनाई तो इन्होंने सोचा कि हम लोग फ्री राइड देते हैं। ये लोग ने उस फ्री राइड के लिए पैसेंजर्स को सिलेक्ट किया। सब मिला के यात्री 106 थे। इसमें हम मान सकते हैं कि 106 के अंदर ट्रेन चलाने वाले भी आ गए, इंक्लूडिंग ट्रेन चलाने वाले। ट्रेन में खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त था, और यात्री आराम से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, अपनी गेम्स खेल रहे थे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। जैसे ज़िंदगी में हमें किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, वैसे ही इन लोगों को भी नहीं पता था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब थोड़े आगे एक सुरंग आती है, एक टनल आता है। ये ट्रेन जैसे ही सुरंग में घुसी, वो अचानक गायब हो गई। आपने सही सुना, और आपको ये लग रहा होगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, या शायद ये हो ही नहीं सकता। मैं फिर से बोलता हूँ, एक सुरंग आया, टनल, ट्रेन अंदर गई, और अंदर जाने के बाद गायब हो गई। एक तरफ से घुसी और दूसरी तरफ से निकली ही नहीं। अब ये जो ट्रेन जो टाइम पर पहुँचने वाली थी, वो टाइम पर नहीं पहुँची, तो पूरे शहर में, पूरे देश में ये न्यूज़ फैल गई, अफरा तफरी हो गई। सब सोच में पड़ गए कि ये ट्रेन अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं, क्या हुआ ये ट्रेन के साथ। उसके बाद सब ऑफिसर्स को भेजा गया, सब ऑफिसर्स आए उस सुरंग टनल के अंदर घुसे चेक करने के लिए। अब वो लोग डर रहे थे कि सुरंग के अंदर कुछ होगा तो नहीं, या वो लोग की ये भी सोच थी क्या नीचे कोई रास्ता है, ये ट्रेन क्या अंदर जाकर गिर चुकी है। बहुत सारे सवाल थे ऑफिसर्स के भी दिमाग में, फिर भी उन लोगों ने हिम्मत करके सब चेक किया, तो सुरंग के अंदर कुछ नहीं था। वो लोग ने एक बार नहीं, बहुत बार अंदर राउंड लगाए। उन ऑफिसर्स को छोड़ के दूसरे ऑफिसर्स आए, उन लोगों ने भी देखा, पर अंदर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो ट्रेन अंदर गई तो अंदर जाने के बाद गायब कैसे हो सकती है। वो लोग ने एक एक जगह बराबर तरीके से चेक की, पर कुछ नहीं मिला। थोड़े समय बाद उन लोगों को उसी ट्रेन में सवार सिर्फ 2 लोग मिले, मतलब उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उन लोगों की मानसिक स्थिति ज़रा भी बराबर नहीं थी। वो लोग थोड़ा सदमे में आ गए थे, तो वो लोगों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया गया, और ट्रीटमेंट के बाद वो लोगों को पूछा गया कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आप लोग कैसे बाहर निकले, आप लोग कैसे यहाँ पर आए। तो वो लोगों ने जवाब दिया कि ट्रेन सुरंग के अंदर घुसने वाली थी, उस वक्त अजीब सी आवाज़ आई, और ब्लैक स्मोक और वाइट स्मोक बोल सकते हो, फॉग बोल सकते हो, धुआं बोल सकते हो, हमने आवाज़ सुनी, हमने स्मोक देखा, ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई, वो देखकर मानो कि वो स्मोक के अंदर पूरी ट्रेन घुस जाने वाली हो। हम लोग डर गए, और हम लोग ने वहाँ से जंप मार लिया। जंप मारने के बाद हम लोगों को कुछ याद नहीं है। आज हमारा दिमाग थोड़ा हमें सही लग रहा है, तो हम लोग ये सब चीज़ें आप लोगों को बता सक रहे हैं। अब ऑफिसर्स ने और जांच पड़ताल की, पर उन लोगों को कुछ पता नहीं चला।
अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत मेन हिस्सा है कहानी का, हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाए। थोड़े समय बाद मैक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक 1840 में 104 पेशेंट 104 पेशेंट उनके हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जो मेंटली अनस्टेबल थे, जो मानसिक तौर पर बराबर नहीं थे। हम कह सकते कि उनका दिमाग बराबर काम नहीं करता था। हाँ, आपने सही सुना, 1840 ये इंसिडेंट 1911 का है, मतलब ट्रेन गायब हुई 1911 में, और मैक्सिको की एक डॉक्टर का दावा है कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक 1840 में 104 पेशेंट उसके हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। जैसे मैंने बताया कि वो लोग दिमागी तौर से बराबर नहीं थे, और वो जो 104 पेशेंट थे वो लोग सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि हम लोग एक ट्रेन से आए हैं, हम लोग एक ट्रेन से आए हैं। और उसमें से एक पेशेंट के पास 1907 का सिगरेट का बॉक्स था जिसके पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 लिखी थी। मतलब क्लियर है कि ये लोग पास्ट में पहुंच गए थे। 1911 में ट्रेन गायब हुई तो लोग इसे भले भूतिया ट्रेन बोलते हो, पर मेरे मुताबिक ये टाइम ट्रैवल मशीन थी जो टनल के अंदर से गायब हो गई और 1840 में पहुंच गई। ये अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि ये इटली, रूस, जर्मनी, रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। मतलब बोल सकते हैं कि ये अभी भी टाइम लूप में अटकी हुई है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, 1911 में एक ट्रेन टनल में जाती है और टनल में जाने के बाद वो गायब हो जाती है, मिलती नहीं है। और एक हॉस्पिटल ये दावा करता है कि 1840 के मुताबिक 104 पेशेंट 1840 में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जो मानसिक तौर पर बराबर नहीं थे, जिनका दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा था, और वो लोग कह रहे थे वो लोग ट्रेन से आए हैं। मतलब ये ट्रेन 1911 से 1840 पास्ट में पहुंच गई। तो मेरे मुताबिक ये ट्रेन एक टाइम ट्रैवल मशीन थी या बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ये जो मैंने बताया आपको उसके ऊपर ज़रा भी ऐसा हो कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप गूगल पर जाना या यूट्यूब पर जाना और आप सिर्फ जाकर वहाँ पर टाइप करना ट्रेन डिसअपीयर्स इन टनल 104 पैसेंजर्स, आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी कि जो मैंने चीज़ें बताई है एक एक चीज़ें सच है। एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, साउंड इफेक्ट्स, वीडियो क्लिप्स, रिसर्च। तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। आपको एक बार अगर टाइम मिला तो मेरे चैनल पर एक बार विजिट करना। मेरे चैनल पर आपको बिजनेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है, मतलब रीबर्थ, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, मैंने पुनर्जन्म से रिलेटेड वीडियो डाली है। आपने टाइम ट्रैवलर के बारे में सुना होगा, समय यात्री, वो वीडियोस भी है। बोलने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेश होने मिलेगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप जब मेरे चैनल पे विज़िट करते हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।